अंदर बड़नसार मैनू लगता है कि खुशबू है, मैं खुद फील कर रहा वो खुशबू इस धरती दे उत्तों, खुशबू वाकई मैनू खुशबू है जिहड़ी इस वेले इस थान दे उत्तों मिल रही है। तां मैं भी दसदा कि मैं अद्धे कु घंटे वास्ते इस थान दे उत्ते आया सी टाइम कढ़ के, पर जदों मैं इत्थे बैठिया ते हुण तक मैनू लगदा कि तकरीबन 9 बजे दा टाइम है रात दा, मैं 4:30-5 दे करीब इत्थे आया सी ते अद्धे घंटे पौने घंटे वास्ते मैं इत्थे आया सी ते 9 बज चले ने। मेरा तां हुण तक जिहड़ा जाण दा महबूब साहब इत्थों दिल ही नहीं कर रिहा जी। इत्थे एहतराम दे तौर ते लोग दरगाह तों उपर बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन नहीं करते। दसो कि जो शुरुआत दे विच उन्होंने गलबात शुरू की थी सी, शुरुआत केड़ी गलों हुई सी? अज आपां नूं इनसाइड स्टोरी है जिहड़ी हुण तक अजे तक जिहड़ी बाहर नहीं आई निजाम साहब ते इस पुरातत्व चीज़ां घड़े। ये मन्या जांदा है कि पुराना पिंड सीगा सैयदां दा, ते इत्थे ज़्यादा 47 तो पहला सैयद भाईचारा रहिंदा सी, ते उत्थे तकरीबन जो कि सुनियार बरादरी नूं जो पुराने दस्तावेज दसते ने उन्हां दे उह रहिंदे सीगे। इस जगह दा जिहड़ा तहरीर आंदी है उह हज़रत मुजद्दद अफसानी रहमतुल्लाह अलैह जिन्हां ने इस जगह दी तस्दीक अपने सुभान उमरी दे विच कीती हुई है। उस उन्हां ने सुभान उमरी दे विच इस दा जिक्र भी कीता है कि मैं इस जगह दे उत्ते आया, मैं इस जगह दे उत्ते आके नबूवत दी खुशबू लई मराकबा कीता, ते इस गल दी तस्दीक ते तहरीर कीती कि इत्थे 13 नबी आराम फरमा रहे ने। उस टाइम ते जी इत्थे किराह लग रहा सीगा न्यों पट्टन वास्ते, ते किराह लांदे हुए रात नूं मीह पैण लग गया, ते मैं कह सकदा कि बुजुर्गों दी जिहड़ी कब्रुकात सीगे उह बेपर्दा हो गई, जाहिर नहीं कह सकते बेपर्दा। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, हकीकत टीवी पंजाबी देख रहे साडे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ कासिफ फारूकी, अज तुहानू उस धरती दे नाल रूबरू करवाउण जा रहे हैं जिस धरती की खुशबू पूरी दुनिया दे विच मशहूर है, क्योंकि पंजाब है जिहड़ा पीरां फकीरां दी जरखेज़ धरती है, वो धरती जिथे असी कह लिए कि गुरुआं पीरां पैगंबरां दे नां दे उत्ते वसदी है। अज असी पहुँचे हाँ बरा शरीफ जिहड़े कि फतेहगढ़ साहिब ज़िले दे विच पैंदा पिंड है, इस्लाम मज़हब दे विच इस्लाम जगत दे विच इसकी एक वक्री जिहड़ी थां हैगी है, क्योंकि मन्निया जांदा है कि इस थां दे उत्ते 13 नबियां दीआं जिहड़ियां वह कबरां ने, उस कबरां वाली थान तो जिहड़ी खुशबू है पूरी दुनिया दे विच इस वेले फैल रही है। पूरी प्रबंध नूं समझण वास्ते पूरे इस थान दे उत्ते की इसकी इतिहासिक महत्ता है, की धार्मिक महत्ता है, इस बाबत थोड़ी गलबात अज असीं करवाने आ। साढ़े नाल इस पूरे प्रबंध नूं देखण वाले डॉक्टर निज़ाम दीन दे जिहड़े बेटे ने महबूब निज़ाम, वह साढ़े नाल ने, उन्हां नाल गलबात करांगे, समझण की कोशिश करांगे कि किस तरीके नाल और किवें इहदी इसकी की इतिहासिक महत्ता है। महबूब साहब बहुत बहुत स्वागत है हकीकत टीवी पंजाबी ते। शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शुरू करदा अल्लाह दे नाम ते जिहड़ा बहुत ही मेहरबान ते नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, अदाब सारे तुहाडे स्रोतियां दा, भैन भरावां दा जिहड़ा इस प्रोग्राम नूं देख रहे ने। ते काशिफ साहब तुहाडा दिलों शुक्रगुजार हाँ कि तुसी अज आके साडी इस मारूफ ते मुकद्दस जगह नूं कवर कीता, ते बहुत दिलों खुशी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। सो अज तुहानूं इस मुकद्दस थां दी ओह गल्लां असीं तुहानूं दस्सांगे, ओह अंदरूने भेद ने जिहड़े असीं इस थां नूं लै के खोलदे कि किस तरीके नाल इह जिहड़ियां तस्वीरां तुसीं देख रहे हो ओह दूर तक मस्जिद तों लै के साइड दे उत्ते मीनारे अंबिया भी अज तुहानूं दिखावांगे, मतलब ओह मीनार दिखावांगे पंजाब दा जो दूसरा सब तों उच्चा मीनार है। मन्निया जांदा है कि इह ओह पाक पवित्र मुकद्दस धरती है जिस धरती की खुशबू है जिहड़ा इस वेले पूरी दुनिया दे विच जिहड़ी लई जा रही है, समझी जा रही है, और पूरा पिंड है कि इस पिंड दे बाबत भी तुहानूं असीं गल दस दईए कि जदों तक इस थां दे उत्ते गेट नहीं लगे सन, इस थां दे उत्ते इमारत उसारी नहीं सी हुई, उच्चा नहीं सी बनिया, तां पिंड दा कोई भी घर किसी भी तरह दा तां इस थां तों उच्चा नहीं सी। ये तस्वीरां ने, बड़ी पाक मुकद्दस थां है मुसलमाना दी, जिहड़ी तुहानूं दिखा दिंदे खुशबूआं ने जिहड़ियां इत्थे एकता दियां भाईचारे दियां जिहड़ियां
वह फिर तस्वीर तुम देखो इस वेले जड़ा मीनारे अंबिया वो इस वेले बिल्कुल चकमक जड़ा चमकदा होया तस्वीर असं तुम दिखा दें अंदरों भी साढ़े नाल इस सारे निज़ाम देखने वाले निज़ाम ट्रस्ट को देखने वाले महबूब निज़ाम ने जिहड़े कि डॉक्टर निज़ाम साहब के बेटे ने जिन्होंने ये सिलसिला इत्थे शुरू किया सी। अंदर बड़न सार मैनू लगता है कि खुशबू है, मैं खुद फील कर रहा वो खुशबू इस धरती दे उत्तों खुशबू वाकई मैनू खुशबू है जिहड़ी इस वेले इस थां दे उत्तों मिल रही है वह धरती है जिहनू असीं खुशबू की धरती भी असीं कह लईए। साढ़े नाल ने निज़ाम साहब के जिहड़े बेटे ने किसी वेले 1984 तो बाद इस थां दे उत्ते जिहड़ी खोज होई सी की इस दी ब्रीफ हिस्टरी है वह सारी गलबात अज असीं निज़ाम साहब के बेटे जिन्हां ने सारा सिलसिला चलाया निज़ाम ट्रस्ट जिहड़ा इत्थे बनया होया उहनूं देखते ने। महबूब साहब किवें शुरुआत होई सी तुहाडे फादर साहब ने इस थां दे उत्ते एक तरह का असीं कह लईए कि उहनां नूं संकेत मिले सी उहनां नूं असीं कह लईए कि बहुत तरीके नाल उहनां नूं जिहड़ा सिम्पटम मिले ते किवें शुरुआत किवें होई सी तुहाडे नाल किवें गल सांझी कीती। काशिफ साहब इस जगह का जड़ा तहरीर आती है वह हज़रत मुजद्दद अफसानी रहमतुल्लाह अलैह जिन्ह ने इस जगह की तस्दीक अपने सुभाने उमरी दे विच कीती हुई है उस उन्होंने सुभाने उमरी दे विच इसका जिक्र भी किया है कि मैं इस जगह के उत्ते आया, मैं इस जगह के उत्ते आके नबूवत की खुशबू ली, मराकबा किया, इस गल की तस्दीक ते तहरीर की कि इत्थे 13 नबी आराम फरमा रहे ने। उन्हां दे बारे बहुती जानकारी तो नहीं उन्होंने दी क्योंकि इस बारे जो उन्होंने साथियों ने पूछा तो उन्होंने इस चीज़ तो इनकार करता कि मैं 1,24,000 पैगंबरां दे विच्चों 13 नबी इत्थे हिंदुस्तान दे विच इस पंजाब की जरखेज़ जमीन दे विच ब्रास शरीफ च वह आराम फरमा रहे ने ते इत्थे उन्हां दा आरामगाह है ते साधुगढ़ तो इन्ने कोसते हैं ये उन्हां दी बकायदा सुभाने उमरी दे विच इसका जिक्र आंदा है उन्हां दी निशानदेही उन्हां दी तकरीबन उन्हां दी हर जो भी लाइफ सी उन्हां दी तकरीबन जो भी उन्होंने अगे दसिया कि मैं इत्थे किस तरह आया, मैं इत्थे नबूवत की खुशबू लई, फिर मैं इत्थे रुकिया, मैं इत्थे जोहर की नमाज पढ़ी, बल्कि जिहड़ी मस्जिद दे विच उन्होंने जोहर की नमाज अदा कीती सी वो मस्जिद भी फिर असी अल्लाह दे फजल नाल 2010 दे विच असी उन्हूं दोबारा आबाद करवाया। वो मस्जिद दे विच हुण भी नमाज हुंदी है, दो टाइम दो मदरसे दे पार्ट्स ने जी, एक बच्चे कुछ उत्थे जांदे ने कुछ इस मस्जिद दे विच नमाज अदा करदे ने। उहदी इह वजह है कि आले दुआले कोई भी मुसलमान आबादी ना होण करके क्योंकि इस पिंड दे विच सिख भाईचारा होण करके मुसलमान आबादी बिल्कुल नहीं हैगी क्योंकि आले दुआले दे पिंडां दे विच है ते सानू मदरसे दे बच्चियां नूं ही जाके उत्थे नमाज अदा करानी हुंदी है ते मस्जिद नूं आबाद करवा के अल्लाह दे फजल नाल उत्थे नमाज हो रही है। ते निज़ाम साहब ने तुहाडे फादर साहब ने बड़ियां मेहनतां इस थां दे उत्ते कीतियां ने इस चीज़ लई लैके पूरी दुनिया दे विच उहनां दा नाम भी है कि सानू इह दसो कि जदों शुरुआत दे विच उहनां ने गलबात शुरू कीती सी शुरुआत किहड़ी गल्लों हुई सी अज आपां नूं इनसाइड स्टोरी है जिहड़ी हुण तक अजे तक जिहड़ी बाहर नहीं आई। निज़ाम साहब तो इस दुनिया तो वफात पा गए ने चले गए ने लेकिन अपनी एक विरासत है महबूब निज़ाम के रूप दे विच और तुसीं जिहड़ा आयान दे रूप दे विच अग्गे वधा रहे हो सो ये होया किवें की गल्लां बातां शुरुआती दौर दे विच होईयां किहो जी गल्लबात है जिहड़ी घर दे विच उस वेले हुंदी सी। 94 दे विच इस जगह दा साडे घर दे विच अमूमन जिक्र होण लग्गिया वालिद साहब ने ता उम्र कदे इस चीज़ का जिक्र नहीं किया कि मैं इस जगह का किस तरह मैनू इलम होया इन्ना जरूर मैं जानता कि छोटे होंदे सीगे पुछदे हुए लोगों कि ब्रास पिंड है कोई कित्थे है मतलब कि निज़ाम साहब नू अल्लाह उन्हां नू जन्नत नसीब करे जन्नतुल फिरदौस दे विच मुकाम अता करे
उन्होंने खुद नहीं पता सी जो उन्होंने संकेत अजिहे मिले कि बरास ना दी कोई थां है, संकेत मिल रहे सी उन्होंने जी? वह कदे बरास इस एरिए दे विच कदे जिंदगी च नहीं आए सीगे। उन्होंने सिर्फ इस जगह का इलम खुदा जाने किस तरह होया, उन्होंने पता लग्या कि इस जगह दे विच मैं आना है। कुछ उलमा इकराम, कुछ मुसलमान भाईचारे दे साथी, कुछ साडे मलेरकोटले दे साथी, उन्होंने नाल उन्होंने इत्थे आना पुछ पुछा के कि बरास कित्थे है, इत्थे आए। जदों इत्थे आके देखिया तां इत्थे वाकई ही उन्होंने आंदे ही एक चीज़ कही कि जो मैं देखिया सी उही मैं इत्थे आके सेम देख महसूस कर रहा, पहली बार आए सीगे। फिर ये जगह दे विच कोई कंस्ट्रक्शन नहीं सी, कोई इत्थे आले दुआले चार दीवारी नहीं सी, ते बहुत ही यह जगह ऑलमोस्ट खस्ता हालत च सीगी। फिर एदी एक नीयत दे नाल, उस खुदा दे करम दे नाल, नबियां दी दुआ दे नाल, ते असी ये काम नू सर अंजाम दिता, शुरुआत कीती 94 दे विच। इत्थे असी एदी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराई चार दीवारी दी, पर शायद बजुर्गां नू या नबिया ये चीज़ का कुछ होर ही मंजूर सी, डॉक्टर साहब तो होर काम लेना सीगा। अल्लाह दे बहुत बंदे ने दुनिया च, पर साढ़े वालद साहब तो काम लेना सी, उन्होंने फिर इस चीज़ के मुतलक अगे मदरसा कायम किया। मौलाना इफ्तिखार उल कानलवी जन्नत नसीब करे, उन्होंने हज़रत जी ने इत्थे आंदे रहे ने पहला तो ही, उन्होंने हज़रत नाल इस बारे मुतालबा किया, तो हज़रत ने उन्होंने ये नसीहत दी कि डॉक्टर साहब आप इस जगह पे मदरसा शुरू करें। तो डॉक्टर साहब ने उनसे यही बात कही कि इत्थे मदरसे की अपन नींव तो हज़रत रख देंगे, लेकिन कौन इत्थे आऊगा, ना कोई इत्थे आले दुआले मुसलमान ज़्यादा आबादी है, एक भी मुसलमाना का कोई पिंड दे विच घर नहीं हैगा। हालांकि सानू टाइम टू टाइम सिख भाईचारे का इत्थे दी पंचायत का हर मुमकिन जो कोशिश सी या जो भी मदद सानू चाहिदी सी उस टाइम ते हर एक सानू पिंड वालों दित्ती गई, ते जिस ते असी तह दिलों शुक्रगुजार हाँ। ते असी शायद जिंदगी दे विच अपनी कदे उस चीज़ नू चुका भी नहीं सकांगे। लेकिन उन्होंने बस ये हैगा कि शुरुआत कीती, मदरसा कायम किया, फिर आस्ते आस्ते मदरसा दे विच बच्चे आने शुरू होए, 5 फिर 10, फिर अल्लाह दे फजल नाल हुण साढ़े कोल कोविड प्री कोविड साढ़े को तकरीबन 85-90 स्टूडेंट सके, जिन्ह की असी दीनी तो दुनियावी दोनों तालीम करवा रहे हैं। असी सारे बच्चों की स्कूल एडमिशन करवाई हुई है, वह स्कूल भी जाते हैं, 10th क्लास तक पढ़ते भी ने, जेडे बच्चे व्डे ने सीनियर सैकेंडरी स्कूल पढ़ते हैं, तो इतने अपना तालीम हासिल कर दें। जी जी जी। तो एक इस धरती जी मैं खुशबू की धरती कहना कि सारे पास इस धरती की बड़ी खुशबू है, बड़ी अलग किस्म की खुशबू है। जिवें ही असी एंटर करते हैं इस थान के उत्ते, तो मैंने खुद जी है वह खुशबू फील की। तुसीं थोड़े फादर साहब ने थोड़ी पूरी फैमिली इस थान नाल जुड़ी हुई है, किहो जिहा लगता है कि जो तुसीं आके इत्थे सेवा करते हो बतौर तुसीं निज़ाम साहब के बेटे, किहो जिहा लगता है कि जो तुसीं इह खुशबूआं माणदे हो जिंदगी पर थोड़े फादर साहब ये खुशबूआं मान के गए ने? 94 तो बाद जदों ये काम शुरू होया, सोशल कॉजेज़ या सोशल कामों बारे सानू नहीं नॉलेज से, असी बहुत छोटे सीगे। कह लो ये चीज़ मेरे एक खून च है, ये साढ़े ब्लड च साढ़े फादर ने दिती है कि अल्लाह ने तुहानू हर चीज़ नाल नवाजिया, सानू किसी चीज़ की कोई कमी नहीं दिती। अल्लाह दे फजल नाल माशाल्लाह साडा कारोबार साढ़े काम कार बड़े अच्छे ने, लेकिन साढ़े वालद साहब ने हमेशा सानू एक नसीहत हमेशा दिती कि बेटा पैसा हर एक कोल हुंदा, अल्लाह दे रस्ते लाने की हिम्मत बहुत घट लोगों च है, लेकिन उस चीज़ के नक्शे कदमों से चलते हुए उन्हां दी कदम नाल कदम मिलाते हुए असी ये चीज़ विरासत च लई, तो अगे असी उन्हूं चलाया। तो डॉक्टर साहब का एक कहना सीगा बेटा ये जिहड़ा अदारा है असी इहनूं वर्ल्ड लैवल ते लैके जाणा है। हुण मुल्क बराए बरूने मुल्क तुहानू पता है, हर मुल्क तो अपने पड़ोसी मुल्कों तो लोग इत्थे बहुत आउंदे आ, पोस्ट कोविड प्रोटोकॉल्स ने हुण, खैर ट्रैवलिंग इस टाइम बंद हैगी है, अदरवाइज लोग बहुत ज़्यादा आउंदे आ,
तो असी बल्कि 2 साल तो हूँ इतने कोई बाहरों नहीं आए हैगे है। लोग इंडिया तो बहुत आते हैं, बहुत दूर तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। जी जी, जी। तो महबूब साहब इतने जिहड़े लोग आते हैं बड़े स्कॉलर किस्म के लोग ने, जिहड़े खोजी बिरती वाले इस्लामिक कल्चर के जिहड़े लोग ने, वो इतने आते हैं। तो आम लोगों दी नज़रां तो हुण तक ये चीज़ नूं बचा के रखे थोड़े फादर साहब ने, तो हूँ जिहड़े अकीदतमंद इतने आ रहे ने ਕਿਹੋ ਜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਖੋਜ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਐਲਾਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਬਰਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਖੋਜ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਇੱਥੇ ਚਲਾਏ? ਜੀ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀਕਲ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚਾ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸੰਘੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਰਾਸ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਮੰਡੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, 50 ਤੋਂ 60 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੁਰਾਤਵ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਘੜੇ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਸੈਯਦਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਯਦ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੋ ਕਿ ਸੁਨਿਆਰ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਬਾਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀਕਲ ਸਰਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਾਇਆ। ਨਿਊਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ 8,500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਮਿਲੀਆਂ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮਤਲਬ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਮਣਕੇ, ਤਸਵੀਆਂ ਦੇ ਮਣਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਿਲੀ। ਅੰਬੀਆ ਵਾਲੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਖੁਦਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੀਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਕਦੇ ਖੁਦਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਖੁਦਾਈ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੀਲਡ ਏਰੀਆ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕਦੇ ਖੁਦਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉੱਧਰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 3 ਕਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਮਸਜਿਦ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੁਦਾਈ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜੀ? ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਰਾਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਿਊਆਂ ਪੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਕਰਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਬਰੂਕਾਤ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੇਪਰਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਬੇਪਰਦਾ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਵਜੂ ਹੋ ਕੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਪਰਦੇ 'ਚ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰਦੇ 'ਚ ਕਰ ਦੇਣ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਮੌਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬਿੱਦਤ ਦਾ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਖੁਸ਼ਬੂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਹਰ ਵੇਲੇ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਬੈਟਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੁਛ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 1.5 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਰਾਤ ਦਾ, ਮੈਂ 4:30-5 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ 1.5-1.5 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ 9 ਵਜ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਦਾ ਮਹਿਬੂਬ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਾਹਿਰੀਨ ਦਾ
अगीत अकीदतमंद जिन्हें भी आते हैं साढ़े भाईचारे के लोग साढ़िया भैन साढ़े भरा जिन्हें भी आते हैं वो तकरीबन हर इंसान यही गल कहता है। दूरों लोग देखो आ रहे हैं बंगाल तक तो आ रहे हैं, गुजरात तो, राजस्थान तो, हरियाणे तो, मतलब एक अकीदा है, एक कोई चीज़, एक जगह की खिच है, एक इस मारूफ तो मुकदस जगह की खिच है जी उन्होंने इतने लैके आती है। तो मेरे ख्याल नाल वो एक उही खिच का केंद्र उन्हों का बंद है। फिर महबूब साहब मीनारे अंबिया तुसीं इत्थे बनाया है किहदी इच्छा सी? बड़ा सोहना बनाया और मैनूं लगता है कि पिंड दीआं बहुत सारीआं दिक्कतां वी तुसीं जिहड़ीआं मैनूं लगता दूर करन दी कोशिश है, क्योंकि उच्चे घर नहीं सी पिंड वाले अकीदत दे विच इस थां दी पवित्रता नूं बरकरार रखण दे लई उच्चे घर नहीं सी बणाउंदे जी। इत्थे एहतराम दे तौर ते लोग दरगाह तों उपर बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन नहीं करदे, लोकां दा बहुत ज़्यादा अकीदा जुड़िया होया है, बहुत एहतराम है। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਹਿਦ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਘਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੁਛ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਘਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਬਲਕਿ ਅੱਧੇ ਬੋਲ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਨ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੀਨਾਰੇ ਅੰਬੀਆ ਬਣੇ? ਮੀਨਾਰੇ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮਰਹੂਮ ਵਾਲਿਦ ਹਾਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੀਨਾਰੇ ਅੰਬੀਆ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮ ਦਾ, ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਹਾਈਟ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਉਚਾਈ ਇੰਨੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਕੱਦਸ ਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜਗੀਰ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਂਝ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਥਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ? ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੰਧ ਨਾ ਇਹਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਟੈਂਕੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਘਰਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜੀ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਤੇਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰਦੇ ਆ ਹੈ ਜੀ। ਵੀ ਬਾਕੀ ਆ ਫਿਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀਓ ਸੀ, ਫਿਰ ਆ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਟਿੱਬਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕਰਾ ਕਰੂ ਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗੇ ਹੋਏ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਾਲਣੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਜੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ? ਸਾਰੀ ਰੋਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਘੁਟਾਲਾ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਗੀਰ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਘੁਟਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮ ਉਮਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ? ਸੰਨ 94 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜੀ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ 29 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਜਾਂ 19 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਫ ਥਾ, ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕੋਗੇ ਜੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖੜ੍ਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਪ ਲਾ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੰਡੀ ਦੇ ਫਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਊ ਕਢਵਾਈ, ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ।
किसी भी बंदे ने कोई इतराज नहीं किया साढ़े पर कदे भी। जी जी जी। तो हाजी जी सानू ये दसो कि इत्थे तुसी बड़े लंबे समय तो जुड़े हुए हो इस थान दे नाल डॉक्टर निजामदीन होरां दे यतना सदका बहुत ज़्यादा जिहड़ियां इत्थे यादां भी ने और इत्थे बहुत ज़्यादा खट्टियां मिठियां जिहड़ियां असीं कह सकदे कि कहानियां भी इस थान दे नाल जुड़ियां हुई ने। तुसी किहड़ी जिहड़ी कहानी हैगी है अज इत्थे तुसी सांझी करनी चाहोगे? देखो सब तो बड़ी चीज़ यह है भी जिस वे डॉक्टर साहब ने इत्थे कम शुरू करवाया लोग भी हैरान होते भी इन्ना उच्चा टिब्बा ये पद्धर किने की हो आए तो सिर्फ आ चार दीवारी बनाने वास्ते थे डॉक्टर साहब जरा शुरू हो था भी क्योंकि ढही हुई थी चार दीवारी भी चार दीवारी करके ना ये सामभ हो जू चार दीवारी बनाने तो बाद ऐसा मान लाचा रहा भी चलो जी हम आप इतने पौड़ियाँ भी बना लीए आप इतने जगह भी पद्धर कर लीए मदरसा भी चला लीए। हाँ जी हूँ आ जी ना देखो आ चौधरा बने हुए आ सामने एक न्यू पढ़ते जा रहे थे वह एक सिरे के उपर कबर है मैं उधर इतने था नहीं डॉक्टर साहब थे वह मतलब कहते भी कबर का ना जिस उन्होंने मजदूर ने कही मारी तो वह घड़ा टुट गया लहदा लहदा घड़ा टुटा क्या उस खुशबू आई। अच्छा कबर के अंदर खुशबू आई वो जब देखा जो गौर ना कहते जो अंदर दिल भी मैयत पई थी जो लाल दाढ़ी थी कफल उस सफेद दिखता था ये डॉक्टर साहब ने दसा मैं क्योंकि मैं तो उधर था नहीं। चलो फिर उन्होंने हाजर जी ने फोन किया कांधड़े वाले भी ऐसा ऐसा मामला है वो कहते डॉक्टर साहब इन्हू ना इतें बंद कर दौ उ फिर चौंतले ना इधर मोड़ती वह हूँ कबर बनी हुई है। जी 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 जी। सो इदां दी बहुत सारिया जिहड़ियां किस्से कहानियां अध्यात्मक तौर पर जिहड़े लोग इत्थे जुड़े हुए ने उन्हां दे विचकार ने तुहाडा की नाम है जी? हमजा। हमजा तुसी किन्ने टाइम तो जुड़े हुए हो इस सारे इत्थे मजार दे नाल? तकरीबन 15 साल तो मेरा डॉक्टर साहब नाल बैठना उठना मिलना जुलना है और उरे आना जाना मेरा हैगा जी 15 साल तो। जी 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 जी। तो फिर तुसी जिहड़ी किहड़ी सब तो वधिया तुहाडी इत्थे याद हैगी है जिहड़ी डॉक्टर निजामदीन होरां दे नाल और इस थान दे नाल जुड़ी हुई है? असल च डॉक्टर निजाम साहब दे नाल दा मेरा जिन्ना वक्त हैगा सारा ही यादगार ही रहा है लेकिन उहदे विच्चों कुछ खास गल्लां ने जिहड़ियां दे जिहड़ियां जिहड़े कुछ कम्मां दे विच मैं दिलों सहमत नहीं हुंदा सीगा मैं कई दफ़ा सोचदा सीगा भी डॉक्टर साहब ये कम ना करके ऐ कर देन इहदे विच ज़्यादा नफा हुंदा है लेकिन बाद च आ के मैनूं उह तस्लीम करना पैंदा सीगा जिवें हुण आ मीनारे अंबिया डॉक्टर साहब ने बनाया तो मेरी ड्यूटी लाई डॉक्टर साहब ने भी तुसी यारो कोई पत्थर का कारीगर लेके आओ क्यों जाए साहब मैंने मेरी ड्यूटी लाई भी तुसी पत्थर का कारीगर लेके आओ मैं जी धौलपुर डिस्ट्रिक्ट दे भी सरमथरा तो एक फारूक नाम का एक ठेकेदार बुलाया बुला के उहदे नाल डिस्कस किया डॉक्टर साहब ने वो पूरा पत्थर का जुड़ाई का कशीदा कारी का सारा हिसाब लाया यदा ये मीनारे का तो उन्होंने यदा बजट 1.5 करोड़ रुपया दसिया डॉक्टर निजाम साहब ने फारूक ठेकेदार साहब ने तो मैं सोचा मगर डॉक्टर साहब ये 1.2 करोड़ रुपया खर्च कर देंगे ये एक मीनारे के उपर 1 करोड़ रुपया लाने की बजाए ये 2-2 लाख रुपये ला के कोई 50 मस्जिदा बना देन छोटिया छोटिया ये मेरे दिल च रही बात मैं डॉक्टर साहब तो कदे कोई वो हुंदा ही नहीं भी उन्होंने राय के उपर कोई मशवरा दी सीनियर बंदे सीगे अपने बजुर्ग सीगे और बाकी मेरी गल नूं बहुत मानते सीगे बहुत मेरा इकराम करते सीगे मैं दिल च सोचा मेरे दिल च रखिया एक बजुर्ग सीगे बड़े एक मुफ्ती साहब मुफ्ती इब्राहिम साहब उन्हों नाम सीगा उतों उधरों गुजरात तो उन्होंने नाल डिस्कस हुई मखा ये गल चल रही है तो डॉक्टर साहब का जिक्र होया तो मैं क्या मेरे दिल से यही गल आ उन्होंने कहा जी गल सुनो ये तुसी ये गल दसो भी किहे जिहा मीनारा बनना है मखा जी मीनारे अंबिया बना रहे ने वो किवें मखा जी 63 फुट उच्चा बनाते ने वह जिहड़ा वह उहदा ये मतलब है भी उन्हां दा उन्हां दी दिल च ये गल है भी ये 63 फुट उम्र अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हुई सी 8 पहलुओं के बनाते ने भी 8 दरवाजे जन्नत के होणगे
और यह जिया आ देखो खसूसियात जी सामने मिनारा है हूँ यदि बहुत सारी खसूसियात सारिया उन्होंने उही नीयत नाल की खसूसियात बस जिमें जन्नत के अठ दरवाजे होंगे वो अठ पहलू रखे ने ये यह जे कुछ यदि लंबाई जी हैगी 63 फुट है अल्लाह नबी सल्लम की 63 फुट लंबाई सी कुछ 40 फुट शायद ये तो यह थले तो चक्या इन्होंने भी 40 यानी 40 साल की उम्र के अल्लाह के नबी सल्लम नबूत मिली सी तो यह जी चीज़ों लैके उन्होंने नीयत करके बनाई तो मेरी जो मुफ्ती साहब नाल गल हुई वो बड़े बजुर्ग पाए उन्होंने कहा भी तुम मैं ऐ दसो ये थोड़ा हिसाब है जिहड़ी जदों उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लम दे नाल इन्नी अकीदत और इन्नी मुहब्बत नाल बनाया भी 63 फुट आपां मीनारा नबी सल्लम की याद च बनाइए कि पता अल्लाह तला उहदी बरकतां नाल उहनूं जन्नत दे देवे तुसीं ऐ की सोचते हो मेरा भी दिमाग बदल गया जी मखा जी बहुत वधिया गल है फिर वो ठेकेदार नाल गल बनी नहीं फिर डॉक्टर साहब ने अपने हिसाब नाल कारीगर मलेरकोटले तो बुलाया जिन्हें तकरीबन इस मीनारे नूं बनाउण दे वास्ते 1500 रुपये दिहाड़ी ली एक दिहाड़ी दे वह बंदे ने 1500 रुपये उहदे नाल तय किया ही नहीं उन्हूं कहा कम करो यार बाद च हिसाब लग्या वी मैनूं दसदे सीगे कि वी उह 1500 रुपये दिहाड़ी लगी उहदी उस हिसाब ने कहना हिसाब होया तो मेरा कहने का मतलब ये 1 करोड़ रुपया इन्ना पैसा खर्च किया उन्होंने नबी पाक सल्लम की मुहब्बत दे विच कि आप सल्लम की उम्र 63 साल सी अपना 63 साल 63 फुट का मीनारा बनाइए यानी नबी पाक सल्लम की मुहब्बत और अकीदत दे नाल फिर उन्होंने अपने वास्ते और अपनी अहलिया मरहूमा मोहतरमा जो है डॉक्टर महबूब साहब खड़े ने इन्हों की वालदा मोहतरमा की मीनारे के बिल्कुल जड़ दे विच अपने वास्ते जगह चुनी अल्लाह पाक इस मुहब्बत की अकीदत दे नाल इन्हां दी बरकत इस मेहनत और इस सोच की बरकत नाल अल्लाह तआला उन्हूं जन्नत फिरदौस जगह अता फरमावे और नबी पाक सल्लम दे उन्हां दे बेहतर उन्हां दी आशिकी और अल्लाह दे नबी नाल मुहब्बत उन्हां दी जिहड़ी सीगी उन्हूं अल्लाह तआला कबूल फरमावे इह जिहियां बहुत गल्लां सीगियां लेकिन इह मैं तुहानूं मेन गल मीनारे नूं देख के याद आई आ हुणे दिमाग च आई तां मैं तुहानूं दस्सदी इन्नी गल बहुत बहुत शुक्रिया जी सारी गल्लबात दे लई सो तुहानूं जिहड़े जिहड़े हाजी निजामद्दीन ने कुठाले वाले दे नाते जिहड़े पूरे मशहूर ने और मैनूं लगदा है कि ना सिर्फ पंजाब दे विच सगो पूरी दुनिया दे विच जिहड़ी हड गोडे जोड़न वाले दे नां दे उत्ते उहनां दे मशहूर सी हथ ला के जिहड़ा ओह मरीज़ दा हड गोडा जिहड़ा किसी भी तरह दा कोई टुट्टी भज्जी हड्डी ओह जोड़ दिंदे सी सो तस्वीरां ने जिहड़ियां तुहानूं असीं दिखा रहे हां इह उहनां दी कबर हैगी है डॉक्टर साहब दी कबर हैगी है इह डॉक्टर निजामद्दीन होरां दी ते इस मौके पर जिहड़े लोग ने उन्होंने लई भी जिहड़ी अकीदत पेश करते हैं दुआ फातिहा और मगफिरत की जिहड़ी दुआ हैगी है वह करते हैं साडे नाल उन्होंने बेटे ने उन्होंने नाल भी असीं गलबात करते हैं एक बार फिर तो साडे नाल जुड़े ने महबूब साहब अज बहुत सारिया यादा थोड़िया भी ताजिया हुई लोगों ने डॉक्टर निजामद्दीन होरां दे जिहड़े उद्यम हैगे उन्होंने भी सलाम किया है और नालों नाल इत्थे अकीदतमंद भी बहुत ज़्यादा लोग जिहड़े जुड़े हुए ने आ रहे हैं सो इस वेले इत्थे मदरसा भी चल रहा है मस्जिद का भी तुसीं इत्थे इतमाम किया होया और होर बहुत सारे की गतिविधियां ने इस जिहड़ी इस थान दे उत्तों चलदियां ने साडे जी इत्थे मदरसा कायम हैगा इफ्तिखारिया लाइब्रेरी है बच्चे जिथे तालीम लै रहे ने शुरुआत बहुत घट बच्चों तो हुई सी जिहड़ी के वधदी हुई 80-90 स्टूडेंट्स के करीब होगी जिन्हां दी दुनी दीनी ते दुनियावी दोनों तालीम इत्थे आपां दे रहे हां ते उन्हां दी विच्चों तकरीबन असी हर एक जिहड़े बच्चे ने असी प्रेफरेबली ये करते हैं कि जिन्हें बच्चे साडे मदरसे पढ़न वो वाकई ही जरूरतमंद होण जिन्हां नूं इस चीज़ की जरूरत होवे मदरसे दा उन्हां दी कोई फीस या कोई खर्चा नहीं उन्हां दा खाना उन्हां दे कपड़े उन्हां दा सब कुछ जो भी है मदरसे वालों फरहाम हुंदा ते असी वो तकरीबन उन्हां दे बच्चों की देख रेख उन्हां दा जिहड़ा बच्चा जिस चीज़ के लायक है या जिस चीज़ के स्पोर्ट्स के विच अच्छा है या जिस नॉलेज रखता है कोई भी पढ़ाई च फिर असी उहदे अग्गे उन्हूं प्रमोट करते हैं उस जी, जी, जी। महबूब साहब सारा सिस्टम जिहड़ा तुसीं खुद इत्थे बनाया होया सारा सिस्टम तुसीं इत्थे खड़ा किया होया सानूं जांदे जांदे ये दसो कि जिहड़ा उर्स तुसीं इत्थे बनाउंदे उर्स मुबारक हरेक साल हुंदा है किन्ने साल तो रवायत है कि किहड़े दिनां दे विच इत्थे हुंदा उर्स मुबारक जी जदों सरहंद शरीफ दे विच उर्स हुंदा है उन्हां दिनां दे विच हुंदा है क्योंकि इस जगह दी जिहड़ी तस्दीक ते तहरीर कीती सी ओह हज़रत मुजल्लम
हज़रत मुजद्दल अफसानी रहमतुल्लाह अलैह ने इहदी कीती सीगी। उन्हां दी नूरानियत, दूरंदेशी ते उन्हां दी इलाम दी बरकत यह जगह दा लोकां दे विच चानन होया, पता लग्या। तो उस नू मद्देनज़र रखते हुए ही असी 3 दिन इत्थे लंगर लाने। तो लंगर दे विच दूर दूर तो लोग आउंदे ने, ऑल ओवर इंडिया तो। पोस्ट कोविड हुण प्रोटोकॉल्स भी ने, बाहरों बरूने मुल्क बाहरों कोई आ नहीं रहा, तो उस करके असी फिलहाल उन्हां दा वेट कर रहे हैं। जदों ये लांघा खुल गया या जदों वर्ल्ड वाइड ग्लोबली इस चीज़ का थोड़ा जा प्रोटोकॉल्स रिलैक्स किए गए, वो आएंगे, असी उन्हां दा खैर मकदम करांगे। तो उर्स मुबारक ते जिन्हें भी लोग आ जान, चाहे वह 5,000 आदमी होवे, 10 होवे, 15 होवे, 20,000 होवे, जिन्हें भी लोग आके इत्थे लंगर छकते ने, या जिस तरह कहने आप कि अल्लाह के नबी ने कहा है कि दस्तरखान एक कट्ठे बैठ के जमीन ते खाना खाने आ, सुन्नत है, उहदे मुतलक असी जो भी है टोटली लंगर 3 दिन वो साड़ी फैमिली वालों हुंदा। तो वो तकरीबन ये 26 साल तो चल रहा है। तो साढ़े वालिद साहब की यह वसीयत सी कि मैं जदों तक हैगा है लंगर होवे, उस तो बाद इस चीज़ नू मेरे बेटे दोनों, मेरे वड्डे ब्रदर ने डॉक्टर गुलजार, मैं असी इनू अगे वधावा। तो इंशाल्लाह अल्लाह दे हुकम नाल मैं जदों तक जिंदगी है, अल्लाह ने दिती है, जदों तक जान है, ये लंगर इस तरह ही चलता रहूगा, मदरसे का काम इस तरह ही चलता रहूगा। तो असी अगे सिर्फ मुस्लिम स्टूडेंट्स का नहीं, असी ये भी सोच रखी हुई है कि अगे जाके असी पिंड दे विच एक आइलेट्स का सेंटर, कोई स्टार्टअप्स वास्ते या कोई आने वाले टाइम दे विच किसी तरह का कोई बच्चों ट्रेनिंग सेंटर जो एजुकेशन पर्पज़ दे नाल होवे, असी स्टूडेंट्स के हिसाब दे नाल जो उस टाइम स्टूडेंट्स डिमांड करते हैं उसके अकॉर्डिंगली असी स्टूडेंट्स लिए टीचर्स अवेलेबल करावांगे, चाहे वह कंप्यूटर रिलेटिड हो, चाहे सॉफ्टवेयर रिलेटिड, बच्चों की हेल्प करांगे। जिस जिस फील्ड दे विच तकरीबन अज की डेट च बहुत ज़्यादा खर्चा होंदा है, तुसी जानने हो, आम बच्चा आईलैट्स की कोचिंग गरीब बच्चा नहीं अफोर्ड कर सकता, उहदे वास्ते असी एक सेंटर की अगे प्लानिंग रखी हुई है। वो असी इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म नाल, बजुर्गों की दुआ नाल असी स्टार्ट करांगे, तो जिस नाल साढ़े मुसलमान बच्चों नहीं, इलाके दे तकरीबन जिन्हें भी आले दुआले के पिंड के गरीब बच्चे ने उन्हां नूं, उहदे विच असी UPSC कोचिंग, जो कि मेरे वालिद साहब की एक दिलों ख्वाहिश सी कि जिहड़े मुसलमान बच्चे ने अपने UPSC दे विच IAS IPS बहुत घट हुंदे आ, उन्हां नूं ट्रेनिंग दित्ती जावे। आने वाले टाइम दे विच असी चाहुंदे आ कि मुसलमान बच्चे वध तो वध साढ़े अगे आके इस अगे आन, ते साडा कौम दा नाम रोशन कर। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी सारी गलबात दे लई। सो ये सन महबूब निज़ाम, जिन्होंने बड़ी ही विस्थार दे नाल इस इतिहासिक ते पवित्र थान दी जिहड़ी बराज शरीफ दी इतिहासिक महत्ता दसी, और नाल ही बहुत ज़्यादा जिहड़े किस्से कहानियां ने इस थान दे नाल जिहड़ियां जुड़ियां हुई हैं, अज थोड़े नाल इनसाइड जिहड़ी स्टोरी हैगी है वो असी सांझी कीती है। उम्मीद करदे हां कि यह गलबात तुहानू काफ़ी पसंद आई होएगी। फिलहाल मैनू यह गलबात इत्थे ही हुण खत्म करन दी दिवा गया। धन्यवाद।